कक्षा 7 और 8 के छात्रों को हिंदी व्याकरण में आज संज्ञा चैप्टर पढ़ा रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो स्थान, जैसे दरभंगा स्थान का नाम हुआ, रामायण किसी पुस्तक का नाम हुआ, सुंदरता भाव का नाम हुआ, ये सब संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और इसके बाद समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुत सारे किताब में जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद बताए गए हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। खैर, 5 प्रकार के संज्ञा का परिभाषा और उदाहरण पहले समझाते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, जैसे राम विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष वस्तु, विशेष स्थान आदि का भाव व्यक्त होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे दिल्ली विशेष स्थान का बोध कराता है, रामायण विशेष किताब का बोध कराता है, वाल्मीकि कृत रामायण, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध हो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, गंगा, जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से पूरे जाति भर का बोध हो, या जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति को न बताकर संपूर्ण व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं या अर्थात जातियों का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, नदी कहने से सभी नदी का बोध हो जाता है, शहर कहने से सभी शहर का बोध हो जाता है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जबकि गंगा कहेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, विशेष नदी का नाम हो गया। भाववाचक संज्ञा, वे संज्ञा सब जो किसी गुण, दशा, भाव का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यास, बुढ़ापा, सुंदरता, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से समूह या झुंड का बोध हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़, परिवार, इसमें समूह का बोध होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध हो, अर्थात जिसे हम माप या तौल सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, घी, आटा, चीनी आदि। कुछ भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, जैसे जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया कैसे जाता है? जैसे मनुष्य से मनुष्यता, सती से सतीत्व, कवि से कवित्व, नेता से नेतृत्व, कुमार से कौमार्य, भक्त से भक्ति, ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है। और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, जैसे अपना से अपनापन, मम से ममत्व, अहंग से अहंकार, आप से आपा, स्व से स्वत्व, निज से निजत्व, उसी प्रकार विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है, क्रिया से भी बनाया जाता है और अव्यय से भी बनाया जाता है। इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर भी बाकी है, ये कल समझाएंगे।